हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपनी किसी वीडियो को जिसका साइज़ बहुत ज़्यादा है उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, और वो भी VLC के थ्रू। तो फ्रेंड्स देखते हैं, VLC मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इसके थ्रू हम कैसे किसी वीडियो को कंप्रेस कर सकते हैं और इसका साइज़ 400 MB से 100 MB या उससे कम भी ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने VLC डाला है और ये एक फ़ाइल है मेरे पास। इसमें आप देखिए, इसका मैं आपको दिखाता हूँ, 338 MB की फ़ाइल है ये, और इस फाइल को मैं आपको कंप्रेस करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये मैं आपके सामने VLC ओपन करता हूँ, VLC मीडिया प्लेयर, और ये ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर ये चाहिए मीडिया, आपके पास ऑप्शन शो करेगा, इसमें मीडिया में क्लिक करिए और नीचे फ्रेंड्स देखिए convert/save का ऑप्शन आ रहा है, इसमें फ्रेंड्स आप क्लिक करिए। अब जैसे ओपन करेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने ये स्क्रीन आएगी। अब इसमें क्या फ्रेंड करना है आपको, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करिए, कौन सी फाइल आपको करनी है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे ये फाइल रखी है, तो इस फाइल को मैं आपको कर दिखाऊंगा। इसका मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कितने साइज़ की फाइल है। तो फ्रेंड देखिए, 338 MB की फाइल है, इसको मैं आपको कंप्रेस कर दिखाऊंगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने क्लिक किया और इसे ओपन किया, उसके करने के बाद आप फ्रेंड जी नीचे देखिए कन्वर्ट और सेव का ऑप्शन है, इसमें फ्रेंड आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और ऑप्शन शो करेगा, लेकिन हमें सेव फाइल को छोटा करना है, तो यहाँ कन्वर्ट पर आप जाइए और यहाँ से कन्वर्ट करिए। अब जैसे फ्रेंड्स आप कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर आपके पास अलग अलग ऑप्शंस आएंगे प्रोफाइल के सामने, किसमें आपको चाहिए। तो फ्रेंड इसमें आप अपने फॉर्मेट देख लीजिए, जिस फॉर्मेट में आपको करना है और आपको कंप्रेस करना है, तो आप ये वाला फॉर्मेट ले लीजिए, वीडियो फॉर यूट्यूब HD। इसमें आप क्लिक करके और यहाँ से आप ब्राउज़ कर दीजिए कहाँ पर आपको फ़ाइल रखनी है। जैसे मैं यहीं पर रख देता हूँ, इसको मैं न्यू फाइल कर देता हूँ, मेडिटेशन म्यूज़िक न्यू, तो इसको मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। तो फ्रेंड अब आप देखिए कितनी बड़ी फाइल इसकी बनती है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ से फ्रेंड नीचे स्टार्ट का ऑप्शन है, इसको आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। इससे पहले भी आपको और ऑप्शन दिखाता हूँ, इसमें जो और आपको सेटिंग मिलेगी, इसमें आपको जिसमें आपको जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए सेव करना, उसमें आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं MP4 में कर रहा हूँ, तो मैं इसको MP4 में क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको किसी को कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर जिसमें आप फॉर्मेट में चाहिए वो आप फॉर्मेट ले लीजिए। जैसे मैं MP4 में ले रहा हूँ और उसको सेव करके, और फ्रेंड ये स्टार्ट का जो बटन है, यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो फ्रेंड देखिए ये यहाँ पर चलना शुरू हो गया है। और फ्रेंड ये थोड़ा टाइम लगाएगा, 4 मिनट की फाइल है, तो ये ज़्यादा टाइम तो 1-2 मिनट लगाने ये हो जाएगा। तो ये फ्रेंड होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी बड़ी फाइल बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये कन्वर्ट हो गया है, मैं अब इसको बंद करता हूँ। अब और आपको दिखाता हूँ जो मैंने अभी नई फाइल बनाई थी, ये वाली फाइल मैंने बनाई थी आपके सामने न्यू करके। अब आप देखिए पुरानी वाली की आप साइज़ में आपको दोबारा दिखाता हूँ, 338 MB, और ये इसके साइज़ फ्रेंड देखते हैं तो 56 MB। तो फ्रेंड देखिए कितना कम ये हो गया, और आपकी जो इसका क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं होगी, जैसे इसकी क्वालिटी पहले थी तो वही रहेगी। देखिए फ्रेंड देखिए मैं आपको जो पुरानी वाला है ये आपको दिखाता हूँ, तो फ्रेंड देखिए वो सेम है और क्वालिटी भी कुछ ख़राब नहीं। तो फ्रेंड इसके थ्रू आप अपनी बड़ी फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं और ये बहुत छोटी फाइल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स आज मुझे आपको यही बताना था, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।